मालवा में इन दिनों अफीम की फसल में सफेद फूल आने के साथ डोडे भी आ गए हैं। किसान प्राकृतिक प्रकोप, मवेशियों और पक्षियों से सुरक्षा करने में भी जुटे हैं। कई किसानों ने तो खेतों पर झोपड़ियां बना ली है, वे दिन रात रखवाली कर रहे हैं। फूल और डोडा आते ही अफीम तस्करों से भी किसानों को खतरा बढ़ जाता है। हालांकि मवेशियों और प्राकृतिक प्रकोप से भी खतरा कम नहीं होता। मवेशियों से फसल की सुरक्षा के लिए तारबंदी और लोहे की जालियां लगा दी है। वहीं प्राकृतिक प्रकोप से बचाव के लिए फसल के चारों तरफ मक्का की बुवाई कर दी है। अफीम की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान नील गाय पहुंचाती है। इससे बचाने के लिए टैप रिकॉर्डर के तेज आवाज तो कहीं पटाखे छोड़कर फसल को बचाने का जतन कर रहे हैं। कई किसान खेत के चारों ओर साड़ियां लपेट रहे हैं। मालवा की प्रथम अफीम की खेती है, इसके लिए किसानों को बहुत मेहनत करना पड़ती है। इसके लिए दवाई, दारू, उसकी जाली, सब व्यवस्था करना पड़ती है। रात को यहीं चौकीदारी करना पड़ती है और इसे रोजड़े आते हैं बाहर के, सब कोई आदमी भी चोरी भी कर सकता है। इसके लिए बहुत खतरा है किसान को। इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी है। इसके लिए जाली चाहिए। हमारे पानी की व्यवस्था में कमी पड़ रही है। अब ये भी किसान के अंदर है, इसके अंदर अभी ये भी सफेद मस्सी आ रही है, उसके लिए दवाई लगा रहे हैं हम। इसका कहने का मतलब यह है कि सुरक्षा को लेकर किस तरह से सुविधा रात दिन इसकी सेवा करते सुरक्षा के लिए सर, ऐसा सुविधा है कि रात सुरक्षा के लिए रात दिन यही सोना पड़ता है इसके पास ही। चोरों का खतरा, आसपास लोगों का खतरा और ये अपने जंगली जानवरों का खतरा, इसलिए बहुत इसको यही रहना पड़ता है हमारे को। किसान सबसे पहले तो अफीम की फसल को जो बोता है ना, तो एक बच्चे को जो बड़ा करते हैं ना, उसी प्रकार अफीम की फसल को भी वो बड़ा करता है, एक बच्चे की तरह। जैसे उसकी देखभाल शुरू से लगा के जब तक बड़ी हो जाए तब तक। और अफीम में सुरक्षा को लेकर तो ये रहता है चिंता के, मतलब जब से अफीम में डोले और गोलियां आनी चालू होती है तब से वो किसान वहीं खेत पे अपना बिस्तर रखता है। और वो जब तक अफीम वापस नारकोटिक्स विभाग तक नहीं पहुंच जाए तब तक वो खेत से निकलने के बाद भी घर पर भी उसको बाल्टी की चिंता रहती है। वो कहीं जाता है तो उससे पहले उसके घर पर भी ध्यान लगाना पड़ता है कि यार अपने बाल्टी घर पर, क्योंकि मतलब अफीम अप्रैल के करीब या मार्च एंडिंग में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक महीने डेढ़ महीने बाद तोल चलता है सरकारी, तो अफीम जब तक बाल्टी नहीं जाती है तब तक वो चिंतित रहता है। तो मतलब प्रशासन को मतलब गश्त किसान के खेत हेतु मतलब गश्त के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे जो अनजान व्यक्ति जो 12 बजे 1 बजे 2 बजे जो अनजान व्यक्ति निकलते हैं तो उसको टोके भी आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे घूम रहे हो। आपने नोट किया है नीमच और पूरा ये पूरा क्षेत्र ही NDPS के हिसाब से काफ़ी संवेदनशील एरिया है। और इस क्रम में यहाँ पर जितने भी थाना प्रभारी हैं उनको सबको निर्देशित किया गया है कि अपने मुखबिर और सूचना तंत्र को सक्रिय कर लें और जो भी हार्वेस्टिंग सीजन होगा उस समय इस तरह के कोई भी असामाजिक तत्व या कोई भी इस तरह के तस्कर अगर कोई भी मूवमेंट करने का प्रयास करते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये जो तस्करी होती है समाज में फिर इसका एक गलत मैसेज तो जाता ही है, साथ में इसका जो भी बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं अफीम बनते हैं और इस तरह के कई बड़े शहरों में फिर इनका उपयोग और दुरुपयोग होता है, जिसके कारण जनरेशन ख़राब होती है, युवा जनरेशन खासकर। और इसलिए हम लोग इसमें जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखेंगे और कोई भी ऐसी सूचना मिलेगी तो हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।